अब जो ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे वी हैव डिजाइन एन अंडरग्राउंड टैंक ऑफ इंटरनल डायमेंशन सिक्स मीटर क्रॉस थ्री मीटर क्रॉस थ्री मीटर इंटरनल डायमेंशन दिए हुए हैं ठीक है द सॉइल द टैंक ऑलवेज रिमेन ड्राई जो टैंक के साइड से सॉयल है वो हमेशा सूखी रहती है मीन्स उसमें हमें कोई भी वाटर कंटेंट नहीं है मीन्स कोई भी पोअर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं होगा सो वी डोंट हैव टू कंसिडर एनी पोअर वाटर प्रेशर द टैंक शल बी प्रोवाइडेड विद अ रूफ स्लैब द सॉइल विक्सटीन किलोमीटर पर मीटर क्यूब हैविंग एन एंगल ऑफ रिपोज थर्टी डिग्री सॉइल का वेट जो है वो सिक्सटीन न्यूटन पर मीटर क्यूब लेना है मीन एक यूनिट वेट है ठीक है और जो एंगल ऑफ़ रिपोज है या एंगल ऑफ़ इंटरनल फ्रिक्शन जो है दैट इज गिवन एस थर्टी डिग्री ये हमारा फाइव होता है ठीक है वेट ऑफ वी हैव टू टेक एस ट्वेंटी फोर न्यूटन पर मीटर क्यूब तो एक, एक, एक हमें डिज़ाइन करना है एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक तो कैसे करेंगे देखते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है एक तो हमें डायमेंशनस दिए गए हैं हाइट इसकी थ्री मीटर है वाटर टैंक की लेंथ इसकी सिक्स मीटर है और जो वर्थ है अंदर पेज के अंदर जो है वो भी थ्री मीटर दिया गया है और हमें बोला गया है कि इसको डिज़ाइन करना है तो वाटर टैंक की जब मैं बात करूँ इसमें हमें थ्री कंपोनेंट्स है जिनको हमें डिज़ाइन करना है एक तो ये साइड वॉल्स दूसरा ये बेस स्लैब तीसरा ये टॉप स्लैब इन्हीं को हमें डिज़ाइन करना है सबसे पहले डिज़ाइन का मतलब समझते हैं डिजाइन का मतलब होगा या तो इनके डायमेंशन सेट करना है एंड इनमें कितना स्टील देना है इसी को हम डिज़ाइन कहता है। कहते हैं या तो डायमेंशंस निकालना है कि इसकी कितनी वेड्थ रखूँ इसकी कितनी डेप्थ रखूँ इन स्लैब्स की और इसमें कितना स्टील देना है सो so दैट ये बैंड ना हो उसी को हम डिज़ाइन कहते हैं और इस टॉपिक के अंदर हमें यही करना है एक तो इनके डायमेंशंस हैं हाइट तो दी गई है अब हमें ये विड्थ देखना है विड्थ कितनी है सिमिलरली इसकी डेप्थ देखनी है और इस टॉप स्लैब की भी डेप्थ देखना है कि कितना हमें देना है प्लस इसमें कितना ए एस टी हम दे सो so दैट जो इस इन पे फोर्सेस आ रहे होंगे उनकी वजह से जो बेंडिंग होगी वो ना हो ठीक है अब आपको ये समझना है कि ये जो वाटर टैंक है इस पे कौन कौन सा फोर्स आ रहा है क्योंकि ये एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है अंडरग्राउंड बोले तो ये जमीन के अंदर है जमीन के अंदर बोले तो यहां से क्या है सॉइल है यहां से क्या है सॉइल है।, है? है और नीचे से भी क्या है सॉइल है अब उस सॉइल की वजह से ऑब्वियसली इस वॉल पे प्रेशर आएगा ठीक है दूसरा वाटर टैंक है मीनस ऑब्वियसली बात है इसके अंदर क्या होगा पानी होगा उस पानी की वजह से भी इनपे इन फोर्स आ जाएगा फिर हमें नेट फोर्स देखना है देखो पहले अगर हम देखेंगे ये हमारा वॉल है यहाँ से सॉइल है वो इस पर फोर्स डाल रही है इसके अंदर पानी है वो इस पर फोर्स डाल रही है फिर हम देखेंगे नेट फोर्स कहाँ किस की तरफ है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से टेन इस सॉयल की वजह से इस वॉल पे फोर्स आ रहा है टेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस पानी की वजह से इस वॉल पे फोर्स आ रहा है फिफ्टीन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फिर हम देखेंगे नेट फोर्स कितना आएगा नेट फोर्स ठीक है नेट फोर्स आएगा फाइव किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेकिन किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में ठीक है फिर उस फाइव किलो न्यूटन की वजह से जो इस डायरेक्शन में पड़ रहा है तो उसमें किस टाइप की बेंडिंग होगी क्योंकि अब यहां पे सोम का कंसेप्ट भी आएगा ये जो वॉल है ये यहाँ पे फिक्स्ड है और यहाँ पे हिंज टाइप है यहाँ पे फिक्स्ड है यहाँ पे हिंज टाइप है और इस डायरेक्शन में फोर्स पड़ रहा है तो इस वॉल में किस टाइप की बेंडिंग होगी कितनी बेंडिंग होगी वो हमें सॉम बताएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो आपने थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा होगा ठीक है अब यहाँ पे फिर भी दो केसेस बनते हैं पहला केस ये बनता है इस वाटर अंडरग्राउंड वाटर टैंक में कि जब ये टैंक फुल होगी विद वाटर दूसरा केस ये बनता है कि वन द टैंक इज एम्प्टी जो अभी मैंने डिस्कस किया यहाँ से सॉइल है यहाँ से पानी है फिर हमें नेट प्रेशर देखना है तो वो 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 ये वाला केस हुआ कि वैन द टैंक इज फिल अब वन द टैंक इज एम्पटी जब इसमें पानी नहीं होगा तब सारा का सारा जो फोर्स है वो इस सॉयल की वजह से आ रहा होगा और किस डायरेक्शन में आ रहा होगा इस डायरेक्शन में आ रहा होगा फिर अगेन यहाँ पे ये यह फिक्स्ड है यहाँ पे यह हिंज टाइप है फिर किस टाइप की बेंडिंग होगी कितनी बेंडिंग होगी उस बेंडिंग की वजह से कितना टेंशन आएगा इस वॉल में वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे बस इस टॉपिक के अंदर जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर टैंक को डिज़ाइन करना है इसमें हमें क्या डिज़ाइन करना होता है इनके डायमेंशंस डिज़ाइन करना होता है और इसमें हमें कितना स्टील देना है सो so दैट जो इन पे फोर्सेस आ रहे हैं वो ओवरकम हो जाए ठीक है उसकी वजह से बेंडिंग ना हो यही हमें इस टॉपिक के अंदर काम है तो पहला केस डिस्कस करेंगे कि वन द टैंक इज़ फिल्ड विद वाटर मीन्स ये पूरा फिल है इस टैंक के अंदर पानी है बस ध्यान रखना अंदर पानी है यहाँ से अब यहीं पे मैं आपको और एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ जहाँ पे भी आपको आगे ये लिखा हुआ मिले कि इनसाइड फेस ऑफ द वॉल इनसाइड फेस ऑफ द वॉल मीन्स ये वाला फेस जो पानी के कंटैक्ट में है और जो जहाँ पर भी आपको ये लिखा हुआ मिले कि आउटसाइड फेस ऑफ द वॉल आउटसाइड फेस मीन्स ये वा ये वाला वॉल जो सॉयल के कंटैक्ट में है ठीक है तो चलते हैं पहले वाले केस में वेन द टैंक इज फिल्ड विद वाटर अब पहला केस है वेन द टैंक इज फुल फुल विद वाटर और मैं डिजाइन कर रहा हूं साइड वॉल्स को ठीक है ये मेरी साइड वॉल है यहां से सॉइल है तो सॉइल की वजह से प्रेशर आएगा इस वॉल पे यहां से पानी है तो पानी की वजह से इस वॉल पे कुछ प्रेशर आएगा फिर हम देखेंगे नेट प्रेशर कितना है इस वॉल की हाइट क्वेश्चन में दी हुई है थ्री मीटर मैंने यहाँ पे इन जनरल एच लिखा है फिलहाल ठीक है तो पहले मैं बात करूंगा करूंगाइल की ठीक है इस चीज को फिलहाल भूल जाओ यहाँ की तरफ देखो ये जो सॉइल है सॉइल अगर मैं आपको बोलूँ एट एच यहाँ पे ये वाला पॉइंट में डिनोट कर रहा हूं एट अ डेप्थ एच यहाँ पे सॉइल की वजह से कितना स्ट्रेस आ रहा होगा ये आपने सॉइल मैकेनिक जियोटेक जियोटेक में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर थ्री इफेक्टिव स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें आप आराम से ये बता सकते हो कि इस ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे इस सॉइल की जो ये ऊपर सॉइल है इसकी वजह से कितना स्ट्रेस आ रहा होगा सिंपली अगर ये वाली सॉइल का यूनिट वेट इज़ गामा एंड दिस इज एच हाइट तो स्ट्रेस कितना आ होगा गामा इंटू एच वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है गामा एच ये तो हो गया वर्टिकल अब इस पूरे सॉइल का कितना इफेक्ट आ रहा होगा लैटरल डायरेक्शन में वो कैसे पता चले ठीक है इस पॉइंट पे तो आ रहा है गामा इन एच ये तो आ गया वर्टिकली वर्टिकल इस डायरेक्शन में स्ट्रेस लेकिन इस वाली सॉइल का ऑब्वियसली ये वाली सॉइल इस वॉल पे लैटरल प्रेशर भी डाल रही होगी तो वो कितना डालेगी वो कितना है वो हमें पता चलेगा इस के ए से दिस के ए के इज द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशेंट ये के ए हमें क्या बताता है ये हमें बताएगा कि वॉल पे कितना प्रेशर पड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर के ए का वैल्यू इज़ पॉइंट फाइव फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ठीक है के ए का वैल्यू इज़ पॉइंट फाइव और इस गामा एच मीन्स यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस आ रहा है हंड्रेड किलो न्यूट्रन पर मीटर स्क्वायर तो जब मैं इस हंड्रेड को मल्टीप्लाई करूँ पॉइंट फाइव से मीन्स फिफ्टी परसेंट से इसका मतलब समझो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉइल की वजह से वर्टिकली हंड्रेड किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस आ रहा है और वॉल पे फिफ्टी परसेंट पड़ रहा है इसका पॉइंट फाइव मीन्स फिफ्टी परसेंट हंड्रेड का फिफ्टी परसेंट मीन्स फिफ्टी हंड्रेड नीचे की तरफ लग रहा है और लेट्रली इस वॉल पर फिफ्टी लग रहा है पॉइंट फाइव ठीक है इसके ए का मतलब ये है अब यहां से पानी है अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एट अ डेप्थ एच पानी पे कितना स्ट्रेस आ रहा है पानी की वजह से कितना स्ट्रेस आएगा इट विल बी सिंपली यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू इन हाइट एच वही चीज मैंने लिखी है और अगर ये तो हो गए एट अ डेप्थ एच वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं आपको बोलूं लैटरल डायरेक्शन में कितना आ रहा होगा कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे भी हम के ए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि लैटरल डायरेक्शन में कितना स्ट्रेस आ रहा है अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हमें यहाँ पे के ए मल्टीप्लाई करना है तो फिर पास्कल की तो मतलब वो तो मर ही गया फिर से मार दिया आपने उसको क्यों पास्कल ने क्या कहा था पास्कल ने कहा था कि वाटर जो है हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाता है तो इसका मतलब अगर वाटर इस डायरेक्शन में गामा डब्ल्यू इंटू एच लगा रहा है प्रेशर इस डायरेक्शन में भी गामा डब्ल्यू इंटू एच लगाएगा इस डायरेक्शन में भी गामा डब्ल्यू इंटू एच लगाएगा ऊपर वाली डायरेक्शन में भी गामा डब्ल्यू इंटू एच लगाएगा एज पर पास्कल तो ध्यान रखना कि जब आपको पानी की वजह से लैटरल प्रेशर देखना है तब आपको के ए मल्टीप्लाई नहीं करना है ठीक है तब आपको के ए मल्टीप्लाई नहीं करना है जितना भी स्ट्रेस वर्टिकली होगा उतना ही लेटरली भी होगा उतना ही अपवर्ड भी होगा तो अभी तक की स्टोरी ये है कि यहाँ से हमें सॉयल है सॉयल का यूनिट वेट गामा है और उसकी वजह से जो वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेस आ रहा है वो गामा इंटू एच है और उसका अगर हम देखेंगे लेटरल डायरेक्शन में इस सॉयल की वजह से कितना प्रेशर आया है तो हम के ए मल्टीप्लाई करेंगे ये के ए क्या है के पी क्या होता है ये हमें सॉयल मैकेनिक्स में अच्छे से पता चल जाएगा बट फॉर योर इंफॉर्मेशन ये के ए का वैल्यू हम निकालते हैं वन माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई वन प्लस साइन फाइव ये फाइ क्या होता है दैट इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इन टर्म्स के साथ ये फाइ ये के ए या कभी के पी यूज करते हैं ये हमें सॉयल मैकेनिक्स में अच्छे से समझ आ जाएगा जब हम लैटरल अर्थ प्रेशर पढ़ते हैं ठीक है ये तो हो गया सॉइल की वजह से लैटरल वर्टिकल डायरेक्शन में गामा इंटू एच फिर उसका इफेक्ट ऑन लैटरल डायरेक्शन हमें के ए मल्टीप्लाई करना है यहाँ से पानी है पानी की वजह से कितना स्ट्रेस आ रहा है गामा इंटू एच एट अ डेप्थ एच ठीक है गामा डब्ल्यू इंटू एच उसका डायरेक्ट इफेक्ट ऑन लैटरल डायरेक्शन वो सेम ही रहेगा क्यों एज पर पासकर ठीक है अभी तक का कंक्लूजन यह है यहाँ से गामा डब्ल्यू इंटू एच के ए गामा डब्ल्यू एच प्रेशर आ रहा है और यहाँ से गामा डब्ल्यू इंटू एच का प्रेशर आ रहा है अब हम इन्हीं में न्यूमेरिकल वैल्यूज डालेंगे देखेंगे इसका वैल्यू कितना आ रहा है और इसका वैल्यू कितना आएगा ठीक है अब देखेंगे कि मैक्सिम सॉयल प्रेशर कितना आ रहा है फिर से डायग्राम पे पहुंचेंगे ये जो ये वाली डायग्राम है यहाँ से मैं सॉइल की पहले सॉइल की वजह से देखेंगे प्रेशर कितना आ रहा है अगर आप देखोगे ये सॉइल ये नीचे वाला पोर्शन ठीक है दिस इज़ द मैक्सिमम सॉइल प्रेशर के ए गामा एच अगर मैं ये वाली लाइन देखूँ इसका वैल्यू विल बी लेस देन दिस वैल्यू फ़िलहाल हम मैक्सिमम देखेंगे जब मैक्सिमम के लिए सेफ़ होगा तो ऑब्वियसली इन सब के लिए भी सेफ ही है ठीक है तो मैक्सिमम सॉइल प्रेशर इज़ के ए गामा एच तो ये आ गया के ए गामा एच दिस इज़ इसको डिनोट कर रहा हूँ पी वन से के ए का वैल्यू मैंने बोला था इट इज़ वन माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई वन प्लस साइन फाइव ठीक है फाइव का वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन थर्टी डिग्री गामा का वैल्यू इज सिक्सटीन और एच हमारा थ्री मीटर है इसको सॉल्व करो आपको प्रेशर पता चल जाएगा दैट इज़ फिफ्टीन पॉइंट एट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पी वन और इसको अप्रोक्सीमेटली मैंने लिखा है सिक्सटीन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है हायर साइड से ही इसको करना है अप्रोक्सीमेट आप 15.8 को 15 ना लिख देना ठीक है क्योंकि इतना कम से कम तो पड़ ही रहा है ठीक है अब अगर आप ज़्यादा मान के चल रहे हो तो आपका डिज़ाइन सेफ होगा इसी तरीके से मैं आप देखूंगा मैक्सिमम वाटर प्रेशर मैक्सिमम वाटर प्रेशर उसको डिनोट कर रहा हूँ पी टू से दैट इज गिवन बाय गामा डब्ल्यू इन एच फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे के ए मल्टीप्लाई नहीं कर देना बहुत टाइम बहुत जगहों पे या बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी गलती कर देते हैं कि वो इसको के ए मल्टीप्लाई करते हैं प्लीज़ पासकुल को ज़रूर याद कीजिएगा यहाँ पे के ए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है गामा डब्ल्यू का वैल्यू हमने अप्रॉक्सीमेटली 10 लिया है होता है 9.8 लेकिन फॉर क्वेश्चन में ही बोला गया है कि गामा डब्ल्यू का वैल्यू 10 ले लो एच का वैल्यू थ्री है तो पी टू इज़ थर्टी न्यूटन पर स्क्वायर पी वन कितना आया सिक्सटीन मीन सॉयल की वजह से वॉल पर कितना प्रेशर पड़ रहा है सिक्सटीन वाटर की वजह से कितना प्रेशर पड़ रहा है थर्टी तो नेट प्रेशर कितना आएगा इट विल बी थर्टी माइनस सिक्सटीन दैट इज़ फोर्टीन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वाटर प्रेशर एक्ट करता है कुछ इस तरीके से ये मैंने डायग्राम बनाई है ये मेरा वॉल है अब जो इस पर नेट प्रेशर पड़ रहा है वो इस साइड से पड़ रहा है और कितना पड़ रहा है वो पड़ रहा है फोर्टीन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो अब हमारा काम है जो ये 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस वॉल पे प्रेशर पड़ रहा है ठीक है अब क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये जो वॉल है हमारा नीचे से फिक्स्ड है ऊपर से हिंज टाइप है सॉम का कन्सेप्ट इस्तेमाल करना है सॉम के कन्सेप्ट से हमें पता चलेगा कि इस इस प्रेशर की वजह से इसमें कितना बैंडिंग आएगा या ये किस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी ठीक है अब हमारा नेक्स्ट जो है हम यही देखेंगे कि इस प्रेशर की वजह से इस वॉल में कितना बेंडिंग आएगा ठीक है अभी कौन सा केस पढ़ रहे थे वन द टैंक इज फुल आगे चलते हैं देखो अब जो ये 14 किलो न्यूटन है जो इस वॉल पे पड़ रहा है उसकी वजह से इसमें क्या आएगा बेंडिंग आएगा तो मैंने इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाई है ऑलरेडी मैं बोल चुका था कि ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा फिक्स्ड है ये हमारा हिंज्ड uh, है और जब हम सॉम की हेल्प लेते हैं तो हमारी बेंडिंग मोमेंट डाइग्राम कुछ इस तरीके से बनती है ठीक है अब इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से अगर हम देखेंगे ये कुछ जो ये वॉल है ये कुछ इसी तरीके से डिफ्लेक्ट भी होती है मीन अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं ये wall जो है वो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होती है कुछ इस तरीके से ठीक है पूरा तो नहीं सब ये है तो बट स्टिल आई एम ट्राइंग अब देखो आप ये वॉल कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी ये वाला जो पोर्शन है ये वाला इसको मैंने इनसाइड कहा था तो इस इनसाइड वाले पोर्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे कि इसमें क्या आ रहा है टेंशन आ रहा है और यहाँ से कंप्रेशन आ रहा है कंक्रीट इज़ गुड इन कंप्रेशन यहाँ से तो दिक्कत नहीं है लेकिन कंक्रीट इज़ वीक इन टेंशन तो यहाँ से दिक्कत है इसी तरीके से अगर मैं इस ऊपर वाले पोर्शन की बात करूँ ये वाले पोर्शन में टेंशन आ रहा है आउटसाइड फेस आउटसाइड फेस ऑफ द वॉल में टेंशन आ रहा है और साइड में कंप्रेशन कंप्रेशन से तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन लेकिन टेंशन में वीक है तो हमारे लिए ध्यान देने वाली बात ये वाला पोर्शन है ठीक तो है ये अब यहां से समझ लो ये जो ऊपर बेंडिंग हो रही है जो इसमें बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है दैट इज गिवन बाय दिस पी एच स्क्र अपॉन्ट थर्टी थ्री पॉइंट फाइव ये हमें सॉम की हेल्प से पता चलता है आपको कोई डेरिवेशन वेरेवेशन नहीं करनी है ये डायरेक्टली मैंने सोम से लिया है कि दिस इस वाले पोर्शन में जो बेंडिंग हो रही है दैट इज गिवन बाई पी एच स्क्र अपॉन थर्टी थ्री पॉइंट ये बेंडिंग मोमेंट है और इसी बेंडिंग मूवमेंट की वजह से इस वाले वॉल में आउटर साइड से टेंशन आ रहा है सिमिलरली जो ये वाला पोर्शन है इसमें जो बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट जो कि ये वाला पॉइंट है यहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये वाला पॉइंट है यहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहां पे हो रही है तो 15। और इसी बेंडिंग मोमेंट की वजह से इस वॉल में इनसाइड फेस ऑफ द वॉल टेंशन आ रहा है या अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है फिर से समझाने की कोशिश करता हूं ये मेरा वॉल है इनसाइड ये वाला ये जो ये जो ये वाला पोर्शन है इसमें टेंशन आ रहा है लेकिन किसकी वजह से इस बेंडिंग मूवमेंट की वजह से सिमिलरली ये मेरा वॉल है ये आउट यहाँ इस साइड से टेंशन आ रहा है आउटर फेस ऑफ द वॉल में टेंशन है लेकिन किस बेंडिंग मूवमेंट की वजह से पी एच अपॉन थर्टी थ्री पॉइंट फाइव बस वही चीज़ अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूसिंग टेंशन ऑन आउटर फेस ऑफ द वॉल आउटर फेस ऑफ द वॉल दैट इज गिवन बाय पीएच स्क्वायर अपॉन 33.5 आउटर फेस समझ आया ना जो सोइल के साथ कांटेक्ट में है तो कर लो p हमारा 14 है h हमारा 3 है ये 3 का स्क्वायर है यहाँ पे ठीक है डिवाइडेड बाय 33.5 तो आंसर आ रहा है 3.76 किलो न्यूटन डैश मीटर ठीक है दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूसिंग टेंशन ऑन आउटर फेस ऑफ द वॉल अब इसी तरीके से मैक्सिमम बैंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम बैंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूसिंग टेंशन ऑन इनर फेस ऑफ द वॉल मींस इस वाले फेस पे इस वाले फेस पे दैट इज गिवन बाय पी एच अपॉन फिफ्टीन पी एच अपॉन फिफ्टीन इसको सॉल्व करो दैट इज 8.4 पॉइंट किलो न्यूटन इसका मतलब जो मैक्सिमम बैंडिंग मूवमेंट आ रहा है आउटसाइड फेस ऑफ द वॉल दैट इज थ्री और जो मैक्सिमम बैंडिंग मूवमेंट आ रहा है ऑन द इनसाइड फेस ऑफ द वॉल दैट इज एट और इन्हीं बैंडिंग मूवमेंट की वजह से टेंशन भी आ रहे हैं और हमें टेंशन से ही खतरा है क्योंकि कंक्रीट इज इन टेंशन और इसी वजह से इसी को रोकने की जो ये टेंशन आ रहा है इनमें इसी को रोकने के लिए भी हम क्या देते हैं फिर स्टील देते हैं ठीक है ठेके? तो ये केस था व्हेन द टैंक इज फिल्ड विद वाटर अब हम पढ़ेंगे केस व्हेन द टैंक इज एम्प्टी ये रहा वेन द टैंक इज एमटी सारा का सारा प्रेशर कहाँ से आएगा सॉइल की वजह से आएगा अगर मैं देखूँ यहाँ पे अगर वर्टिकल स्ट्रेस है दैट इज गामा इन टू एच और उसका इफेक्ट ऑन द लेटरल साइड दैट इज के ए गामा एच ठीक है सिमिलरली मैक्सिमम सॉइल प्रेशर के ए गामा एच इसको वैल्यू सॉल्व करो दैट इज सिक्सटीन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका वैल्यू आ रहा है सिक्सटीन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वा अब इस सिक्सटीन किलो न्यूटर पर मीटर स्क्वायर जो इस वॉल पे पड़ रहा है और इस डायरेक्शन में पड़ रहा है तो उसकी वजह से इस वॉल में किस तरह की बेंडिंग होगी या कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा वो मैंने यहाँ पे दिखाया है इस इस प्रेशर की वजह से क्योंकि अब यहाँ से ना आउटसाइड से लग रहा है ना ये वाला फिक्स था ये वाला हिंज था तो इसमें जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी ठीक है आगे चलते हैं ये वाला वैल्यू इज अगेन पी एच स्क्वायर अपॉन थर्टी थ्री पॉइंट फाइव और ये वाला वैल्यू इज अगेन पी एच स्क्र अपॉन फिफ्टीन अब यहां से फिर से समझते हैं अब इस प्रेशर की वजह से जो वॉल में बेंडिंग हो रही है वो कुछ इस तरीके से हो रही है राइट वो कुछ इस तरीके से हो रही है ठीक है अब ये वाला जो फेस है ये वाला फेस ये वाला फेस दिस दिस इनसाइड क्योंकि यहाँ से पानी वाला फेस था इस, इसको मैंने इनसाइड फेस कहा अब इस इनसाइड फेस पे ये जो टेंशन आ रहा है ये किस बेंडिंग मोमेंट की वजह से आ रहा है पी एच स्र अपॉन थर्टी थ्री पॉइंट फाइव सिमिलरली अब आउटर फेस देखो यहाँ से ये वाला आउटर फेस है इसमें भी टेंशन आ रहा है ठीक है ये टेंशन किस वजह से आ रहा है दैट इज कमिंग आउट ड्यू टू पी एच स्र अपॉन फिफ्टीन ये सारा सॉम की हेल्प से हम सॉल्व कर पा रहे हैं ठीक है मैं डायरेक्टली सॉम से ये वैल्यूज ले रहा हूँ और देख रहा हूँ इसी बेंडिंग मूवमेंट की वजह से ये जो मेरा वॉल था इस वाले पोर्शन में टेंशन आ रहा है और कंक्रीट वीक इन टेंशन दैट्स वाई वी हैव टू डिज़ाइन ए एस टी ऑल्सो क्योंकि कंक्रीट थोड़ा सा भी टेंशन लेता है लेकिन हम मानते हैं कि ये थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेता है ठीक है आगे चले और दूसरी बात यह है कि मैं तो ये पेंसिल से दिखा रहा हूँ कि इतना बेंडिंग हो रहा है लेकिन अगर आप विजुअल अगर आप साइड पे जाओगे आपको दिखेगा भी नहीं कि जो वॉल है वो बेंड हुआ है और कि वो बेंड हुआ होगा लेकिन हम नेक्ट ऐसे कभी कभार नहीं देख पाते हैं ये बस आपको समझाने के लिए कि मैंने इतनी बेंडिंग दिखाई है अब आगे चलते हैं तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूसिंग टेंशन ऑन द आउटर फेस ऑफ द वॉल फिर से इसी डायग्राम पे आ जाओ ऑन द आउटर फेस आउटर फेस ये वाला फेस है तो कौन सा बेंडिंग मूवमेंट टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है पी एच स्क्वायर अपॉन फिफ्टीन अगेन पी एच स्क्वायर अपॉन फिफ्टीन वैल्यूज को पुट करो टू थ्री स्क्वायर डिवाइड बाई फिफ्टी दैट इज कमिंग आउट टू बी नाइन पॉइंट सिक्स यहाँ पर मैक्ममम बैंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूसिंग टेंशन और इनर फेस ऑफ द वॉल इनर वाला फेस ये है ये वाला फेस कौन सा बेंडिंग मूवमेंट है पी एच स्क्वायर अपॉन थर्टी थ्री पॉइंट फाइव

मैक्सिमम बैंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूसिंग टेंशन ऑन द इनर फेस ये दैट इज फोर पॉइंट टू नाइन और मैक्मम बैंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूसिंग टेंशन ऑन द आउटर फेस दैट इज नाइन पॉइंट सिक्स ये मैंने बस टैबल और फॉर्म में लिखा सो so दैट अब आपको यहाँ से डायरेक्टली पता चले कि जब हम फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डेप्थ uh, निकालनी है मतलब इसकी थिकनेस निकालनी है तो वो किस बेसिस पे निकालेंगे ऑब्वियसली वो हम निकालेंगे कि हम देखेंगे कि इन चारों में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें सबसे बड़ा वैल्यू नाइन पॉइंट सिक्स है तो हम यही बेंडिंग मूवमेंट कंसिडर करेंगे इस वॉल की थिकनेस डिजाइन करने के लिए क्यों क्योंकि जब इस बेंडिंग मूवमेंट के लिए वो सेफ होगा बाकी सभी बेंडिंग मूवमेंट के लिए भी सेफ होगा पहली बात दूसरी बात अब हमें ए भी डिजाइन करना है यहां इनसाइड फेस से भी डिजाइन करना है आउटसाइड फेस से भी डिजाइन करना है अगर हम इनर साइड से बात करेंगे इनर फेस इनर फेस इनर फेस पर एट पॉइंट फोर किलोन्यूटर का बेंडिंग मोमेंट आ रहा है और 4.29 का बेंडिंग मोमेंट आ रहा है तो हम किसके लिए डिजाइन करेंगे 8.4 के लिए और अगर हम आउटर फेस की बात करें आउटर फेस में कित कौन कौन सा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है ये वाला आउटर फेस इसमें 3.76 आ रहा है नाइन पॉइंट आ रहा है अगर मैं आपको बोलूँ कौन सा डिजाइन वैल्यू होगी किस चीज के लिए डिजाइन करोगे आप बोलोगे नाइन पॉइंट सिक्स क्योंकि जब इसके लिए सेफ होगा तभी इसके लिए भी सेफ होगा या आप ऐसे कर सकते हो इन चारों वैल्यू में से बड़ा वैल्यू देखो कौन सा है वो नाइन पॉइंट सिक्स है इसी के लिए इनसाइड फेज में भी ए निकालो आउटसाइड फेज के लिए भी ए एस निकालो कि सर ऐसा क्यों करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया होता कि आपको इकोनॉमिकल सेक्शन डिज़ाइन करना है अगर आपको इकोनॉमिकल सेक्शन डिज़ाइन करने के लिए बोला होगा तब आपको पूरा ख्याल रखना है कि हमें कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसी के लिए हम डिज़ाइन करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ बोला गया है कि आपको डिज़ाइन करना है इकोनॉमिकल का कहीं पर जिक्र नहीं है तो इस वजह से हम अपनी आसानी के लिए ये वाला फेस और इस वाले फेस को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कॉस्ट बढ़ जाएगा लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहेगा ठीक है हम डिज़ाइन करेंगे थिकनेस ऑफ द वॉल ठीक है और वो किसके बेसिस पे डिज़ाइन करेंगे कि जो भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उस बेसिस पे अगर आप यहाँ इस टेबल को देखोगे फिर से एक बार ये वाला टेबल अगर मैं देखूँ इसमें से सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा बेंडिंग मोमेंट क्या है नाइन पॉइंट सिक्स तो हम जो हमारा ये वॉल है वॉल की जो थिकनेस है वो इसी बेसिस पे डिज़ाइन करेंगे सो वी विल डिज़ाइन इट फॉर द 9.6 पॉइंट सिक्स किलोमीटर पर इसी बेंडिंग मोमेंट के लिए हम डिज़ाइन करेंगे ठीक है क्योंकि जब इसके लिए सेफ़ होगा ओबियसली उसके लिए भी सेफ ही होंगे तो सर so डेप्थ या थिकनेस ऑफ दैट वॉल मैंने डी से डिनोट किया है ठीक है क्योंकि हम इन्हीं टर्म्स के साथ वाकिफ़ हैं तो मैंने इसलिए डी लिखा है अदरवाइज दिस इज़ द वथ ऑफ दैट वॉल ठीक है तो दिस डी इज गिवन बाई अंडर रूट ऑफ मैक्सिमम बैंडिंग मोमेंट डिवाइड बाई क्यू बी क्यू क्या है डिजाइन कॉन्स्टेंट है इस क्यू का वैल्यू इज गिवन बाई हाफ ऑफ सी जे के सी जे के अगेन दीज आर द डिजाइन कॉन्स्टेंट्स ठीक है अब अगर आपको पता है सी जो है ये कैसे होता है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एम थर्टी फाइव दिया हुआ है कंक्रीट तो इसके लिए सी का वैल्यू क्या होगा सी विल बी इक्वल टू एफ सी के दैट इज थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में थ्री एंड जो भी आंसर होगा वही हमारा सी है उसके बाद है जे जे इज गिवन बाई वन माइनस जीरो पॉइंट फोर टू के जो ऑलरेडी के है मीन्स जे को निकालने के लिए हमें के पता होना चाहिए अब दिस के के इज इक्वल टू नाइंटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री डिवाइडेड बाय टी प्लस नाइन्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री अब ये टी क्या है टी इज़ द परमिसेबल स्ट्रेस ठीक है परमिसेबल स्ट्रेस अगर हम हमारे पास कंक्रीट है एफ ई फोर वन फाइव तो इस एफ ई फोर वन फाइव के लिए टी का वैल्यू या सिग्मा एस टी बोल दो या टी बोल दो दैट इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी और हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना यूज़ करते हैं 1.8 का मीन्स एफ वाई यहाँ पे 415 है और इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ 1.8 और उसका वैल्यू इज़ गिवन एज 230 तो इस टी का वैल्यू आप 230 थर्टी पुट कर दो आपको के पता चल जाएगा ये चीज़ें आप कोडबुक से भी देख सकते हो बट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम काफ़ी चला जाता है बेहतर है कि आप इनको ऐसे ही लर्न करो वैसे इनकी पूरी डेरेवेशनस है जो कि आप आर आ, आराम से देख सकते हो तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे बेंडिंग मूवमेंट इज़ नाइनटी नाइन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रिज सिक्स यहाँ पे सो so दैट हम इसको न्यूटन पर एम में कन्वर्ट कर सके नाइन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रिज सिक्स डिवाइडेड बाई क्यों हमें न्यूटन पर एम में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि हमें सी का वैल्यू या टी का वैल्यू डीज आर इन न्यूटन पर एम एम ही या तो इनके वैल्यूज़ को इसमें कन्वर्ट करो या इसी वैल्यू को इन वाली यूनिट्स में कन्वर्ट करो ठीक है सी का वैल्यूज थर्टी फाइव डिड थ्री इन टू जे का वैल्यूज वन माइनस जीरो पॉइंट फोर टू के और जब हम के कैलकुलेट करेंगे यहां से दैट इज कम बी जीरो पॉइंट टू एट नाइन इसी चीज को आप सॉल्व करो अब बी बी यहाँ पे क्या है इट इज द विड्थ विड्थ हम यूनिट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं ठीक है दैट इज इक्वल टू थाउजेंड या वन मीटर मीन्स हम वन मीटर के लिए डिजाइन कर रहे हैं एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी इसको सॉल्व करो दैट इज़ कमिंग आउट टू भी एट्टी एम एम ठीक है आप चाहो पूरी विथ भी ले सकते हो दैट इज थ्री मीटर ठीक है आप पूरी थ्री मीटर के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हो बट फिलहाल हम यूनिट के लिए डिज़ाइन करेंगे सो दैट इन जनरल हमें पता चले फिर कितनी भी बड़ी टैंक हो हम आराम से ए एस टी निकाल सकते हो यहाँ से डी कैल्कुलेट करो दैट इज़ कमिंग आउट टू भी एट्टी एम एम सो हम प्रोवाइड करेंगे हंड्रेड एम एम मैंने पहले ही बोला क्योंकि हमें इकोनॉमिकल नहीं बनाना है तो हम ज्यादा लिख सकते हैं तो 80 एम mm के बदले मैंने लिखा 100 एम mm और इफेक्टिव कवर ले रहा हूं 50 एम mm, तो टोटल डेप्थ या टोटल ऑफ़ दिस वॉल विल टू इक्वल फिफ्टी 150 एम mm. तो कहने का मतलब यह है कि जो मेरा वॉल है ये वाला वॉल ये वाला वॉल इसकी विथ मुझे निकल के आई 150 फिफ्टी ठीक है टोटल वेट आगे चलते हैं बात करेंगे ए एस टी फॉर आउटर फेस ऑफ द वॉल आउटर फेस ऑफ द वॉल मीन्स इस वाले वॉल ये जो वॉल है यहाँ से मुझे ए एस टी देना है तो वो किस बेसिस पे दूँ ठीक है वो देखते हैं मैं टेबल लाता हूँ आपके सामने अगर आप देखोगे आउटर फेस आउटर फेस पे एक तो 3.76 पॉइंट सेवन सिक्स का बेंडिंग मोमेंट आ रहा है और 9.6 पॉइंट सिक्स किलोनीटर का आ रहा है तो मैं किसके लिए डिज़ाइन करूँगा 9.6 के लिए वही मैंने यहाँ पे 9.6 के लिए डिज़ाइन किया है ई एस टी एंड ए एस टी इज गिवन बाई बैंडिंग मूवमेंट डिवाइड बाई सिग्मा एस टी जे इंटू डी बैंडिंग मूवमेंट मेरा 9.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रिपोर्ट सिक्स न्यूटन पर एम एम में कन्वर्ट कर दिया ठीक है सिग्मा एस टी का वैल्यू ऑलरेडी समझा चुका हूँ इसको हम टी भी लिखते हैं दैट इज़ इक्वल टू एफ वाई डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी और वो निकल के आता है टू थर्टी मीन्स एफ वाई अगर हम हम फोर ऑन फाइव स्टील यूज़ कर रहे हैं उसका एफ वाई इज़ फोर ऑन फाइव डिवाइड बाई वन पॉइंट एट वही वैल्यू आ रहा है टू थर्टी ठीक है के का वैल्यू सिंपली नाइन्टी थ्री पॉइंट थ्री 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 डिवाइड बाई टी प्लस नाइन्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री टी का वैल्यू इज टू हंड्रेड टेन वैल्यू को पुट करो आंसर के का वैल्यू आ रहा है जीरो पॉइंट टू एट नाइन उसके बाद जे जे इज गिवन बाई वन माइनस जीरो पॉइंट फोर टू के दैट इज इक्वल टू के का वैल्यू पुट कर दो दैट इज जीरो पॉइंट एट सेवन ये टी जे के क्यू ये सारे डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स होते हैं ठीक है थीके? इनकी वजह से हम आराम से और जल्दी से ए एस टी और बेंडिंग मूवमेंट या डेप्थ जो है कैलकुलेट वो जल्दी जल्दी हो जाता है डी का वैल्यू हंड्रेड एम है ये वाला डी वैल्यूज को बस पुट कर दो आपको ए एस टी आ रहा है कितना आ रहा है फोर एट्टी एम एम स्क्वायर अब स्पेसिंग निकालेंगे स्पेसिंग कैसे निकल निकलेगी स्पेसिंग हमें निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला भी है थाउजेंड डिवाइड बाई ए एस टी एस टी को ही डिवाइड करो पाई बाई फोर फाइव स्क्वायर मतलब इस चीज़ को हम समझते हैं पहले ठीक है हमारे पास ए निकला फोर ए हमें निकला कितना हमें चाहिए फोर एटी एम mm एम स्क्वायर अगर मुझे इतना ए चाहिए मैं देखूंगा मुझे कितने नंबर ऑफ बार्स चाहिए ठीक है मैं इसको डिवाइड करूंगा एक एरिया ऑफ बार से ठीक है पाई बाई फोर इंटू फाइव स्क्वायर मुझे इतना टोटल एरिया चाहिए मैं एक रोड का एरिया डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे क्या पता चलेगा मुझे नंबर ऑफ बार्स पता चलेंगे नंबर ऑफ बार्स टेन आई अब मुझे बताना है कि ये टेन बार्स के बीच में कितनी स्पेसिंग रखूं टोटल स्पेस अवेलेबल इज हंड्रेड थाउजेंड एम एम थाउजेंड एमएम की स्पेस है नंबर ऑफ बार्स टेन है तो मुझे देखना है कि कितना स्पेस रखूं बीच में मैं क्या करूंगा इसी थाउजेंड को डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ बार्स टेन से तो वही कितना आएगा हंड्रेड मीन्स टेन बार्स के बीच में मुझे हंड्रेड एम mm की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखनी है ठीक है सिंपली जितनी भी स्पेस है उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ बार से ठीक है ये ए एस टी डिवाइड बाई पाई बाई फोर इंटू फाइव स्क्वायर ये नंबर ऑफ बार्स ही होते हैं ठीक है ठीके? तो वैल्यूज़ पुट करो एएसटी का वैल्यू फोर एट्टी है और यहाँ पे हम एक फाइव फाइव का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो ठीक है मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे फाइ का वैल्यू लिया है ट्वेल्व एम mm. आप टेन भी ले सकते हो आप सिक्सटीन भी ले सकते हो आप ट्वेंटी फाइव भी ले सकते हो जो मर्ज़ी है सो क्योंकि स्पेसिफिकेशंस नहीं दी है अगर स्पेसिफिकेशन दी होती तो हम उसी हिसाब से लेते क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया कि, कि आपको किस डाया का बार यूज़ करना है तो हम डायरेक्टली मैंने अपनी मर्जी से 12 एम mm एम का यूज़ किया 12 एम mm एम यूज़ करके मुझे स्पेसिंग ये निकल रही है तो तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 12 एम mm एम डाया बार एट 200 हंड्रेड एम सेंटर टू सेंटर ये मुझे हो गया कि मैंने इस वॉल पे इस वॉल पे ये टू ये टम एम mm के बार यूज़ किए और किस स्पेसिंग पे टू हंड्रेड मीन्स मुझे इसके पीछे और एक बार रखनी है बट एट ए डिस्टेंस ऑफ टू हंड्रेड एम एम ये तो हो गया आउटर फेस के लिए इसी तरीके से इनर फेस के लिए भी डिज़ाइन करना है अगर मैं देखो ए एस टी फॉर द इनर फेस ऑफ द वॉल इनर फेस के लिए देखो पहले इनर फेस के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें आया था 8.4 तो हम इसी 8.4 को देख के ए डिज़ाइन कर रहे हैं ठीक है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 8.4 इसमें वैल्यूज पुट करो सिग्मा एस का वैल्यू 130 है ये 130 क्यों है मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ ये हमें कोड बताता है कि जब आपको आउटर फेस के लिए ए डिज़ाइन करना है तब आपको ए जब आपको आउटर फेस के लिए ए डिज़ाइन आउटर फेस के लिए ए डिज़ाइन करना है तब आपको सिग्मा एस का वैल्यू टू थर्टी लेना है लेकिन जब आपको इनर फेस के लिए ए डिज़ाइन करना है तब आपको सिग्मा एस टी वन थर्टी लेना है फॉर एच वाई एस डी बार क्योंकि हम एच वाई एस डी बार से यूज़ करें तो सिग्मा एस टी का वैल्यू यहाँ पे वन थर्टी लेना है यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है ये कोडल प्रोविजन है ये हमें कोड बताता है क्यों बताता है ऐसा वो डिफरेंट रीज़न है उसके लिए अलग रीजन है लेकिन वो रीजन अभी नहीं बोल सकता बट फिलहाल के लिए आपको ये जानकारी दूं कि जब भी हमें इनसाइड फेस के लिए स्टील देना है एएसटी देना है और वो भी हाई स्ट्रेंथ बार्स देने हैं तो हमें टी का वैल्यू देना है 130 या सिग्मा एसटी का वैल्यू 130 लेना है ठीक है इनर फेस के लिए वैल्यूज को पुट करो के का वैल्यू आ जाएगा जे का वैल्यू आ जाएगा डी हमें ऑलरेडी कैलकुलेट किया है हंड्रेड एम एम वाली इक्वेशन में पुट करो बैंडिंग मोमेंट इज एट पॉइंट फोर इंटू ट्रेड सिक्स सिग्मा एस टी का वैल्यूज़ वन थर्टी जे का वैल्यू जीरो पॉइंट एट सेवन और डी का वैल्यूज हंड्रेड वैल्यूज को पुट करके हमें ए कितना आ रहा है सेवन पॉइंट फोर थ्री सेवन फोर थ्री एम एम स्क्र कोई एक बार सेलेक्ट करो मैंने फिर से टूवेल्व एम एम बार सेलेक्ट की है ट्वेल्व एम एम बार सेलेक्ट करके मैंने नंबर ऑफ बार्स निकाला पहले ठीक है नंबर ऑफ़ बार्स को डिवाइड थाउजेंड uh, को डिवाइड किया नंबर ऑफ बार्स से तो मुझे स्पेसिंग निकल के आई ठीक है तो स्पेसिंग प्रोवाइड करके और मैंने uh, यहाँ पे आ रहा है प्रोवाइड ट्वेल्व एम एम डाया बार्स एट वन फिफ्टी एम एम सेंटर टू सेंटर मतलब ये है कि जो मेरा इनसाइड फेस है यहाँ पे भी मुझे बार्स देने हैं कुछ इस तरीके से इसके पीछे और एक बार आएगी मीन्स इसके पीछे और एक बार आएगी बट किस डिस्टेंस पे वन फिफ्टी एम एम तो ये हो गया इतना ही था हमारा डिज़ाइन ऑफ दिस वॉल अब हम डिज़ाइन करेंगे ये टॉप स्लैब उसके बाद लास्ट में हम डिज़ाइन करेंगे बेस स्लैब ये नेक्स्ट लेक्चर में फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना है।